हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। प्याज है, टमाटर वगैरह भी हैं यहाँ पे, और आलू है, कॉर्न है। और तो आज हम बना रहे हैं टेस्टी सा सिंपल एंड हेल्दी पुलाव। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसमें ये मैंने पहले कुकर लिया हुआ है, कुकर में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के लगभग अपना बटर, और डालेंगे अपना 3 टेबल स्पून के लगभग ऑयल। थोड़ा सा इसमें बटर जाता है तो पुलाव टेस्टी लगता है। और इसमें डालेंगे हम फटाफट से अपना तेज पत्ता, और मैं कम से कम 2 तेज पत्ते डालूंगी। और जो भी है तो वो आप डालिए, 4 से 5 मिनट लौंग डाल दिए। और इसको हम हिला लेते हैं। हमने हिला लिया अच्छे से। अब इसमें हम डालते हैं लहसुन। ये लहसुन देखिए मैंने 6-7 से 8 कलियां हैं मेरे पास, छोटे लहसुन हैं। आप 6-7 से 8 ले, बड़े हैं तो 3 से 4 काफ़ी हैं। इनको मैं हल्का सा कूट लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लहसुन कूट लिया। अब लहसुन डालता है हमारे इसके अंदर, और लहसुन को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बिल्कुल हमने डाल दिया है तो अब बस ये 1 से 2 सेकंड के लिए पक रहा है। इसके बाद हम डालेंगे फटाफट प्याज, फटाफट इसमें डालेंगे हम आलू, और इनको भुनेंगे अब हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू का कच्चापन निकल जाए और ये थोड़े क्रिस्पी से हो जाए। तो पुलाव में फिर मज़ा आता है उनको खाने में। और मैं प्याज का जो कटिंग करती हूँ लंबी करती हूँ, और आलू की जो कटिंग होती है वो डाइसेस में होती है, छोटे डाइसेस में, तभी जाके पुलाव का जो कलर है और जो टेक्सचर अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसको रख दिया है अभी तक ढक के कम से कम 10 मिनट ढक के छोड़ दिया है, और उसको अब हम 10 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए हमारा प्याज और जो आलू है वो अच्छे से भून चुके हैं, आप ब्राउन कलर भी देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे अपने कॉर्न और मटर, और इसमें हम डालेंगे टमाटर को हम बिल्कुल ऐसे काटेंगे, रफली चॉप करेंगे इसको बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये टमाटर लिया और इसको आपने ऐसे लंबा लंबा काटना है बिल्कुल। तो मैं एक टमाटर पूरा काटूंगी इसमें, और इसको हम घुमा लेंगे फिर दोबारा से। और अब इसमें हम डालेंगे, ये वाइट पुलाव बन रहा है तो वाइट पुलाव में सिर्फ नमक जाता है, ब्लैक पेपर जाता है, और अपना लाल मिर्च जाती है। तो चलिए डालते हैं इसको। ये देखिए इसमें चला गया 1 टेबल स्पून भर के नमक, और बिल्कुल राम नवाद की अपनी 1 टी स्पून लाल मिर्च, और इसमें जाएगा हमारा ब्लैक पेपर, ये भी जाएगा कम से कम 1 टी स्पून के लगभग। और इसे हम मिला लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है, आप बना के देखिएगा, सिंपल इजी सुपर फास्ट पुलाव। और देखिए जैसे कि हमने इसमें मसाले मिला लिए हैं अपने तीनों मसाले, तो अब आप इसमें डालिए अपने चावल। मेरे मैं ये 4 जनों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने ये 2 कप चावल लिए हुए हैं, तो हम मिला देंगे और इसको ऊपर नीचे कर देंगे सब्जियों के साथ। इसको आप पहले से भी राइस बनाकर, और अगर आप ये सब्जियां डाल के बाद में फ्राई करना चाहें तो वो वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको सिंपल रखती हूँ और मुझे तो पहले वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कुकर में पहले सब्जियों को भून के ही बनाती हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं लॉट्स ऑफ कलर्स, और टेक्स्चर भी बड़ा अच्छा है। अब इसमें हम डालते हैं पानी, और इसको हम लगाते हैं कम से कम 2 सीटी। तो चलिए फिर मिलते हैं 2 सीटी के बाद। ये देखिए इसमें पानी डाल दिया है, और मैं इसको पकाऊंगी कम से कम 2 सीटी लगने तक। तो पानी इतना होना चाहिए कि आपके चावल जो हैं वो आपको चावल से कम 2 आपके फिंगर जो है ऐसे करके चावल से ऊपर होनी चाहिए। तो हम इसको डाल देते हैं, और इसमें डालते हैं पानी। थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगी, और इसका गैस का आपने जो आँच रखनी है वो मीडियम रखनी है, मीडियम जो आग रहेगी तो आपका पुलाव अच्छे से पकेगा। ये देखिए
इसको मैंने डाल दिया है इसमें दो उंगली से अपना ऊपर पानी, और इसको अब हम दो सीटी लगने तक पकाते हैं, मिलते हैं दो सीटी के बाद। तो ये देखिए हमारा पुलाव जो है रेडी है, कितना खिला खिला बना है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसे कर दिया सर्व, और बड़ा ही आप देख रहे होंगे कितना वाइट पुलाव, खिला खिला, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा पुलाव रेडी है, इसे खाइए पापड़ के साथ, दही के साथ और अचार के साथ, बड़ा टेस्टी बनेगा ये। और तो मुझे कमेंट कीजिए आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, इजी सुपर फास्ट रेसिपी के साथ। लाइक कीजिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, मुझे ढेर सारे कमेंट चाहिए आप लोगों से। तो फॉर द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।